Or finally, National Highway. Alright, welcome back to new episode. Sorry, I'm थोड़ा late लग चालू किया है मैंने. Actually, बार-बार वही रास्ता दिखने में कोई मज़ा नहीं है. इसलिए मैंने थोड़ा सी और late चालू किया है. और आज मैं जा रहा हूँ मेहसाना सिटी, जो कि लगभग मेरे घर से 400-450 किलोमीटर है. और लगभग मैं 100 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका हूँ सूरत से. आगे पेट्रोल भरा लिया है मैंने फिर, और अभी देखते हैं कितने बजे तक मैं मेहसाना सिटी पहुँचता हूँ डेस्टिनेशन तक. और अभी लगभग मैंने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ. अभी नर्मदा टाइप प्लाजा पीछे गया और चाय के लिए उठाया था, चाय पी लिया. अभी 11:15 बजे है सिटी है. तो देखते हैं अहमदाबाद यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर होगा. और मेहसाना मेरा डेस्टिनेशन है. तो मेहसाना का डेस्टिनेशन अभी यहाँ से लगभग 256 किलोमीटर बता रहा है. और लगभग मुझे टाइम लगेगा 4 घंटे. तो देखते हैं कभी तक पहुँच पाता हूँ. खाना नहीं खाया है, अभी 11 बजे और चाय ब्रेक लिया. वो जो ब्रिज है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को लोग ने देखा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं खुद इस ब्रिज लोग घूम रहा हूँ. तो आराम से हैप्पी बिकॉज ऑफ बाइक. ये है औरतरासिटी का बाईपास. और यहाँ से आप हाईवे से नीचे उतर जाओगे तो ये बाईपास होकर हम डायरेक्ट अहमदाबाद जाएंगे. और अहमदाबाद से फिर मेहसाना. फाइनली औरतरासिटी, बहुत बड़ी सिटी है ये. जितना ये साइड भी बहुत बड़ा है और ये साइड भी. मेहसाना यहाँ से 149 किलोमीटर है. और मैं खाने के लिए रुका था, पूरी सब्जी और छाछ ख़त्म कर डाला, बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी. अभी यहाँ से निकलूँगा मेहसाना और अहमदाबाद जाके फिर मैं होटल बुकिंग करूँगा. देखता हूँ क्या कहाँ पे होटल लेना है वो. Light me up with a bright smile on now. Put me in the door, don't want get lost now. To पीछे सर्कल था, वहाँ से सीधा जाता तो वो भी मेहसाना जाता, पर वो अहमदाबाद सिटी में से होकर जाता. और वो रास्ता जो है जो हाईवे से जाता, जो कि अहमदाबाद सिटी का बाईपास है. बस शायद मैं भी सोचते ना रहा हूँ, पर वहाँ पर हमने एक रिक्शा वाले से पूछा तो वो बोले कि ये स्टेट हाईवे है 20 किलोमीटर, और ये आपको अच्छा पड़ेगा.
मेहसाना जाने के लिए, तो फिर मैंने वो रास्ता ले लिया है। मैं भी यहाँ से देखता हूँ कैसा है हवा, हवा तो अच्छा है पता है, कितनी देर लगती है वो पता नहीं, और रास्ता देखना पड़ेगा बाद में। तो ठीक है चलता है, पर हवा तो हवा जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी छुट्टी में जाना बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि शाम का वक्त और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए हवा तो हवा और बाईपास जाओ तो अच्छा है। और फाइनली नेशनल हाईवे मंदिर गया, 20-25 मिनट अंदर गया था, और ये नेशनल हाईवे फाइनली। फाइनली मुझे रूम मिल गए, और ये मुझे ये कपाट है, टीवी है और ये बेड है, तो ठीक है एसी भी चालू है, और ये इधर का व्यू है, हाईवे के पास में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे कल वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो आज की जो जर्नी थी वो 500 किलोमीटर की थी, और मैं मेहसाना तक मेरा टारगेट था, पर मेहसाना से आगे आया मैं और मुझे एक अच्छा सा होटल मिल गया, जो फिर मैं कल अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करूँगा, और कल की शायद 450 किलोमीटर की शायद कल जर्नी होगी मेरी। ये है हाईवे जैसलमेर जाने के लिए, और ये है हमारा होटल आज का, जो कि हाईवे के बिल्कुल बाजू में ही है, और आई थिंक सेकंड फ्लोर पे वो वाला रूम है, और अच्छा खासा रूम है, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है। बारिश अच्छी नहीं हुई शायद, ब्रिज के नीचे थोड़ा भी पानी।